हेलो फ्रेंड्स इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आरबीआई ने आपका मे चार को उज 4 2022 को आरबीआई ने एक ड्यूल्ड आपकी अनाउंसमेंट करी थी क्योंकि हमेशा यह होता है कि क्वार्टरली आरबीआई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की वो हर क्वार्टर मीट करती है एक बार मिनिमम तो मीट करती है और उसके बाद कुछ अपना मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट करती है पर कोरोना वायरस के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है पिछले दो साल के अंदर कि आरबीआई ने अनस्केड एक आपकी अनाउंसमेंट करी है और उस अनाउंसमेंट में जिसका बहुत टाइम से इंतजार था जो आपका कर दिया है तो फोर्टी बेसिस पॉइंट ने हाइक करा है तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इन अप्रोच दैट इज कॉम्प्रीहसिंटेम्प्रेरी पहले तो मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly? एक डेवलपमेंट तो आपकी हो गई कि रेपो रेट हाइक करा गया है दूसरी डेवलपमेंट ये है ये आपके मे के महीने में ही हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक नया मेंबर ऐड करा गया है तो इन दोनों टॉपिक के कंटेक्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेपो रेट हाइक करी गई है क्यों करी गई है जो नया मेंबर करा करा गया है कौन है साथ में इसका स्टैटिक पार्ट की मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स के बारे में रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट उसके बारे में बताऊंगा और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताऊंगा जिसने डिसीजन लिया है तो फ्रेंड्स आई एम दीपक सिंह एंड लेट्स कवर द टॉपिक ऑफ रेपो रेट हाइक आपका तो मैंने आपको बताया कि दो न्यूज है डेवलपमेंट हुई है एक आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस करा है की पॉलिसी रेट्स हैव बीन वो आपका कैश रिजर्व रेशियो है, है वो हाइक है करा गया है दूसरा आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आपका दे अप्रूव द नॉमिनेशन ऑफ राजीव रंजन एज द एक्स ऑफिसियल में पॉलिसी कमेटी तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में राजीव रंजन को एज एक्स ऑफिसियो में एड कर दिया गया है उसको नॉमिनेट कर दिया गया है सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस बोथ द टॉपिक पहले हम आपका की पॉलिसी रेट्स जो हाइक करे गए उसके बारे में बताता हूँ कि रेपो रेट क्यों दैट हैज बीन हाइकड बाय फोर्टी बेसिस पॉइंट अपटू फोर पॉइंट फोर जीरो परसेंट फ्रॉम फोर परसेंट अर्लियर

कैश रिजर्व रेशियो सो दैट hiked by बीन basis बाय which बेसिस पॉइंट फर्दर upward प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है आपके रेपो रेट के हाइक करने से कैश रिजर्व रेशियो के आपके हाइक करने से तो आपका इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट होगा तो so, ये पॉलिसी डिसीजंस क्यों लिए गया तो so, आप रेपो रेट का आप देख लीजिए कि आपका मे 2020 से अगर हम देखें इस टाइम पे आपका तो ये आपका है अगर आप मे 2020 से आपका देखें तो यहां से आपका ये देख सकते हैं कि मे 2020 से आपका रेपो रेट आपका सीधे फोर परसेंट पर चल रहा है मतलब वो है कि इंतहा हो गए इंतजार किया आपका तो इस कंटेक्स में आपका तो ये आप देख सकते हैं कि इतने टाइम से आपका हाई की स्टेप चल रहा है और अब जाके इन्होंने आरबीआई ने अब जाके इसको फोर पॉइंट परसेंट आपका करा है ये आपका करा है तो फ्रेंड्स ये आपका था और यहां से अब आप तक आपका ये आपका फोर परसेंट पे ही चल रहा है आपका तो ये हाइक की मैं बात कर रहा था जो आपका बहुत टाइम से अवेटेड था उससे पहले भी आपका रेपो रेट देख सकते हैं कि किस तरीके से चल रहा था अगेन आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे भी आपका 2010 2009 10, आ, नौ, 10 का जो ईयर था उसमें भी आपका रेपो रेट आपका कम करा गया था तो ये जो आपके पॉलिसी रेट कम करे जाते हैं ये तभी करे जाते हैं जब रिसेशन होता है उस टाइम पे ग्लोबल रिसेशन के टाइम पे था तब भी आपका फोर पॉइंट के आसपास था पर इस टाइम पे आपका पिछले कुछ आप देख सकते हैं कि पंद्रह बीस सालों में आपका रेपो रेट आपका सबसे लोएस्ट था आपका तो

ये आपका आरबीआई का है इस टाइम पे तो यानी कि दो परसेंट होनी चाहिए या फिर एडमैक्सेंट होनी चाहिए सीपीआई ये है आपका तो मॉनेटरी पॉलिसी का ही आपका ये है कि कि 6.95 यानी 7 पे ऑलमोस्ट टच कर रहा है आपका तो इसी चक्कर में कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इस वजह से इन्फ्लेशन हाई हो रही है इन अप्रैल मॉनेटरी पॉलिसी द सेंट्रल बैंक आरबीआई सेट दैट द प्राइमरी फोकस इज टू इंश्योर दैट तो पहला कॉस्ट हो गया कि मार्च दो में ही आपका कि आपका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन आपका 6.95 परसेंट टच कर गया था अप्रैल में और टच करेगा आपका जो नया डेटा आएगा दूसरा इसी बैकग्राउंड में अप्रैल में क्या हुआ जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट थी उसमें आरबीआई ने क्या दिया था प्राइमरी फोकस विल बी एनश्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड यह आपका इन्फ्लेशन टारगेटिंग है फोर प्लस माइनस टू सपोर्टिंग ग्रोथ बट प्राइमरी टारगेट कह दिया था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रहना है अभी. कि आपका टू टू सिक्स परसेंट यानी कि फोर प्लस माइनस टू परसेंट है आपका तो इसी बैकग्राउंड में आरबीआई ने कराया है तो यह अनस्केड्यूल्ड आपकी स्टेटमेंट करी उनको लगा कि अब बहुत हो गया अब पानी सर से ऊपर जा रहा है अब कंट्रोल में करते हैं और ग्लोबलिय भी देखे एज पर द ग्लोब इंडिकेटर्स द रिटेल इन्फ्लेन इन दू एस एज रिजन टू फोर्टी ईयर हाई टू एट पॉइंट फाइव परसेंट इन मार्च आपका तो ग्लोबल देखें डोमेस्टिक देखें इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने भी पॉइंट आउट करा था कि ग्लोबली आपका यूएसए में भी या फिर डेवलप कंट्रीज में भी आपका हर जगह पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है कुछ कंट्रीज होगी श्रीलंका हो गई आपका कोलंबिया होगी वेनिजिला होगी वहां पर तो इन्फ्लेशन और ज्यादा हाई है आपका तो इस कंटेक्ट में और साथ में आपका जो यूएसए का जो फेडरल बैंक है दैट ऑल्सो इंडिकेटेड हाइक ऑफ फिफ्टी बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1% यानी कि 0.5% इन इट्स अपकमिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट्स तो ऐसा नहीं कि ने सिर्फ अपना, आपका पॉलिसी रेट आपका, आपका कम करेगा आपका इन्फ्लेशन हाइक करेगा ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट्स है आपके हाइक करेंगे आपका ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेना जाए तो so इसके क्या इंपैक्ट रहेंगे एक तो इम्पैक्ट यही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है ताकि लिक्विडिटी थोड़ी कम हो इसी वजह से साथ में ये भी लग रहा है कि अगर बोरर्स की बात करें तो उनका जो ई है बर्डन है और साथ में एफ इन्वेस्टर्स है तो उनको आपके इंपैक्ट पड़ेगा तो यही होता है कि बोरर्स शुड प्रिपेयर फॉर एन इंक्रीजिंग ई बर्डन अगर आपका ई आपकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट से आपका अगर होम लोन लिया तो फ्लोटिंग रेट से आपका लिंक होता है तो अगर फ्लोटिंग रेट से आपका लिंक्ड है फिक एक तो फिक्स रेट होता है कि आपकी ईएमआई एमआई फिक्स रेट पे आपकी करी है तो आगे चाहे इन्फ्लेशन कितनी भी ज्यादा हो इंटरेस्ट रेट कितना भी वेरी करे आपका फिक्स रेट पे जाएगा फ्लोटिंग पे रहता है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर आपका चेंज होता है जैसे आरबीआई ने अभी करा है, तो फ्यूचर में ये आपकी ई एमआई होम लोन के कंटेक्ट में रहता है वो आपकी इंपैक्ट होंगी आपकी सो so, उस कंटेक्स में ई एम आई बर्डन आपका बढ़ सकता है बाद में लेकिन जो आपके फिक्स डिपॉजिट के जो इन्वेस्टर्स हैं दैट कैन होप फॉर अ बेटर रिटर्न्स ऑन न्यू एफडीज़ ये आपका है कि अब लग रहा है कि फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी आपके बढ़ेंगे आपके दे आर मेनी सिग्नल साइकिल आपका तो अब लग रहा है कि अभी तो सिर्फ फोर पॉइंट फोर से करो पर अभी भी बहुत कम है आपका, 6%, 7 पे भी आपका जाता है तो हो सकता है अभी जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया था कभी ऊपर नीचे चलता रहता है तो अब लगता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे तो एफ डीज में भी आपके इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ेंगे वेन एवर द इंटरेस्ट रेट साइकिल यू टर्न फ्राम द बॉटम इट इज टिपिकली द शॉर्ट टू मीडियम टर्म इंटरेस्ट रेट दैट आर लाइकली टू राइज़ फर्स्ट आपका तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी कि एक साल दो साल की अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है तो उसमें इंटरेस्ट रेट पहले ज्यादा मिलते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट आपके हैं सो so, वो आपका थोड़ा टाइम लेता है इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर फॉर दीज रेट्स टू गो सिग्निफिकेंटली आपका तो ये आपका इंपैक्ट रहता है अब हम एक बार बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी मैंने आपको रेपो रेट कैश रिजर्व रेशियो उसके बारे में बता दिया है एक बार आपको ब्रीफली उनके बारे में बता देता हूं और फिर आपको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें एक नया मेंबर ऐड करा हुआ है उसके बारे में बता दूंगा तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अगर बात करें तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ये क्या है इट इज द डिफरेंस और विंडो बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आपका अभी रेपो रेट की हमने बात करी उसको हाइक कराओगे इट कंसिस्ट ऑफ डेली शॉर्ट टर्म इन्फ्यूजन और एब्सॉर्शन ऑफ लिक्विडिटी ऑन रीपर्चेज बेसिस थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन तो जो रेपो और रिवर्स रेपो रेट के बीच के डिफरेंस है वो आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है अब हम रेपो रेट पे आते हैं जो हमारा मेन फोकस है सो इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स ये कमर्शियल बैंक रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन तो ये टर्म्स को लाइटली मत लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन यहाँ पे शॉर्ट का मतलब बहुत स्पेसिफिक होता है कि इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि बैंक रेट से डिफर करता है फिर कमर्शियल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से बैंक है उसमें भी डिफरेंस आता है सो इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द कंट्री फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इनकेस द बैंक है बारो फ्रॉम आरबीआई

बहुत ज्यादा फंड आ गए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और उनको लग रहा है कि वो पैसा कंज्यूमर्स को देने के बावजूद भी उनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस पड़ा हुआ है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट अर्न करने के लिए वो आरबीआई के पास पैसा जमा रख सकते हैं सो रिवर्स रेपो रेपो रेट होता है आपका जब बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं रिवर्स रेपो रेट होता है जब बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं ऐसा नहीं कि आरबीआई ने पैसा मांगा पर बैंक्स के पास सरप्लस है तो आरबीआई को पैसा दे सकते हैं सो इट इज द रेट एट बैंक्स कैन पार्क सरप्लस मनी विद इन द आरबीआई तीसरी टर्म है आपका बैंक रेट इट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक बट फॉर लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट आपका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है अनलाइक रेपो रेट विच इज गिवन फॉर शॉर्ट टर्म तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों में ही सेम है बैंक रेट में भी आपका आरबीआई बैंक को पैसा देता है क्रेडिट देता है रेपो रेट में भी देता है पर रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपका होता है

बोरिंग स्कीम के साथ तब आया था टू रेगुलेट द मिसमैच इन शॉर्ट टर्म एसेट लाइबिलिटी मोर इफेक्टिवली आपका अब हम आते हैं कैश रिजर्व रेशियो पे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसको भी 50 बीपीएस से आपका 50 बेसिस पॉइंट से आपका यानी कि 0.5 परसेंट से आपका हाइक कर दिया गया था सो कैश रिजर्व रेशियो क्या है एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद रिजर्व बैंक एज अ शेयर ऑफ सच परसेंट ऑफ इट्स

एवरेज डेली बेसिस पे आरबीआई के साथ पाक करना पड़ता है कि लिक्विडिटी आपकी इंश्योर करने के लिए कि साथ अगर लिक्विडिटी क्रंच हो गया तो कैश रिजर्व रेशियो इंश्योर कर दे कि लिक्विडिटी की शॉर्टेज ना हो तो वो नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटीज का वो शेयर आपका जो बैंक्स मेंटेन करते हैं आरबीआई के साथ ऑन एवरेज डेली बेसिस वो आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो जिसका 50 बेसिस पॉइंट रिजर्वेश कॉरिडोर क्या होता है एमएसएफ रेट आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड रिवर्स रेपो रेट डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर द डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट ओपन मार्केटेड ऑपरेशन आपका इसके बारे में डिटेल में कभी और पढ़ेंगे ओ होता है दीज इंक्लूड बोथ आउटराइट राइड परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी रिस्पेक्टिवली तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में यह होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गर्वमेंट सिक्योरिटी जी सेक आपका तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपका तो इसकी आपकी आरबीआई आपकी ओवरनाइट आपकी ओपन मार्केट में ऑपरेशंस करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है परचेस करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपकी अगर हम बात करें तो उस कंटेक्स में आपका

सर्पस लिक्विडिटी ऑफ मोर इंडियन नेचर अराइजिंग फ्रॉम लार्ज कैपिटल इनफ्लो इज एब थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बिल। द मनी सो मोबिलाईज इज हेल्ड इन सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट बैंक आपका रेपो रेट मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी में फर्क क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं रेपो रेट इज द रेट एट विच मनी इज लेंड बाई आरबीआई टू कमर्शियल बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी वो रेट है इन विच आरबीआई मनी ओनली टू शेड्यूल्ड बैंक तो मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट में आपकी दो टर्म है आपकी मनी लेंड बाय आरबीआई टू आपका शेड्यूल्ड बैंक आपका टू कमर्शियल बैंक था और फिर शॉर्ट ड्यूरेशन तो ऐसा नहीं कि कमर्शियल बैंक और शेड्यूल में फर्क नहीं है तो वो कमर्शियल बैंक के लिए था रेपो रेट आपका पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आपका होता है सिर्फ शेड्यूल्ड बैंक के लिए होता है आपका रेपो रेट इज एप्लीकेबल टू लोन प्रोवाइडेड टू बैंक तो रेपो रेट आपका होता है अगर थोड़ा सा आपका लोन प्रोवाइड करना होता है उसके बेसिस पे होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फॉर लेंडिंग ओवरनाइट टू कुछ अगर लिक्विडिटी मिसमैच करने के लिए इसलिए होता है रेपो रेट में आपका जो होता है बैंक सिक्योरिटी आपको कोलेट्रल देना होता है कि आप पैसे वापस दे देंगे तो रेपो रेट में आपका बैंक की जो सिक्योरिटीज होती है वो कोलेट्रल की तरह काम करता है पर आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जी मैंने आपको कहा था वो कोलेटरल एक्ट करता है आपका तो ये आपका होता है साथ में मैंने आपको बताया था मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में राजीव रंजन रंजनगण के नाम के एक इंसान को अभी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में ऐड करा गया था तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं पहले तो इसकी मेंबरशिप देख लेते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में आपके छह मेंबर्स होते हैं उस छे मेंबर्स में कौन क्या कंपोजिशन आपका एक तो आरबीआई गवर्नर है जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है मतलब जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो अपने आप ही पॉलिसी कमेटी का चेयरपर्सन होगा तो क्वेश्चन आ सकता है फाइनेंस मिनिस्टर है कौन है आपका सेबी का आपका चेयरमैन है या फिर आरबीआई का गवर्नर है कौन इसका मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करता है तो आरबीआई का गवर्नर साथ में फिर डिप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड आपका एंड थ्री पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के छह लोग हो गए आपके एक हो गए आरबीआई गवर्नर दूसरा हो गया डिप्यूटी गवर्नर हो गया तीसरा हो गया ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड आपका ऑफिसर ऑफ द बैंक टू भी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड एंड थ्री पर्सन टू बॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ये आपके मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के हो गए ये आपका कौन करता है सेक्शन फोर फिफ्टी फाइव फोर्टी बी आपका 45 ZB. मॉनेटरी पॉलिसी का ये सेक्शन आपका गवर्न करता है आपका इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के आपका जो आरबीआई एक्ट का सेक्शन फोर फोर्टी फाइव जेड भी है ये गवर्न करता है मॉनेटरी पॉलिसी की कंपोजिशन का सो so, मैंने आपको बताया छह मेंबर है जिसमें आरबीआई का गवर्नर है एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन आपका डिप्यूटी गवर्नर हो गया फिर आरबीआई का एक ऑफिसर हो गया आपका

लॉन्ग एक्सपीरियंस है काफी लंबा एक्सपीरियंस है इन डेप्थ एक्सपीरियंस है और अगेन इंटीग्रिटी आपके उसके अंदर है तो उसको नॉमिनेट करा जाएगा ये आपका डिटरमाइन करता है सेक्शन फोर्टी फाइव जेड सी आपका मॉनिटरी पॉलिसी की कंपोजिशन आपका डिटरमाइन करता है फोर्टी फाइव जेड बी और उसके जो वहां पे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटीज है वो करता है फोर्टी फाइव जेड सी आपका मैंने आपको बताया था एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन आपका आरबीआई गवर्नर है जो मेंबर्स ऑफ द एमपीसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो तीन लोग हैं दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर एंड डिसीजन आर टेकन बाय मेजोरिटी आपके मेंबरशिप की अगर हम बात करें मेजोरिटी से आपके मेंबरशिप लेते हैं फोर इज टू वन फाइव इज टू फोर इज टू टू फाइव इज टू वन सिक्स जीरो में चलता है बट अगर इन केस देर इज अ टाइम टू थ्री है तो वो ग्रुप का डिसीजन आपका वैलिड करेगा जिसमें आरबीआई का मेंबर है तो अगर किसी डिसीजन में आरबीआई के गवर्नर ने और दो लोगों और ने आपका फेवर में दिया तो अगेन इन केस ऑफ अ टाई आरबीआई गवर्नर का वोट आपका कास्टिंग टाई आपका फंक्शंस क्या है फंक्शन मैंने आपको बताया फोर्टी फाइव जेड बी आपका इट लेस डाउन द इट दैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट जो आपके रेपो रेट बताया रिक्वायर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट तो क्लियरली आपका 2016 का जो आपका अमेंडमेंट करी थी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में के कंटेक्स में तो उसमें क्लियरली मैंशन करा गया था इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में द डिसीजन ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका ये भी क्लियर पॉइंट है एंड जब मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मैंडेट क्या है टू मेंटेन एन एनुअल इन्फ्लेशन एट फोर अपर टॉलरेंस ऑफ सिक्सेंट एंड लोअर टॉलरेंस ऑफ टू परसेंट माइनस टू परसेंट है आपके और बैकग्राउंड अगर हमने देखे तो मैंने आपको बताया था कि दो में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइनटीन है इसको है करा था फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 जो आपका है उसने मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट करने की मैंडेट करी थी तो अगर इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करा जाए तो वो भी इस फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 से डेराइव करता है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आपका तो ये आपका मैंने बता दिया था कि ये आपका करेगा एंड द फर्स्ट सच मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सेप्टेम्बर टू पॉइंट ये है शो करने का कि इसकी लीगल बैकिंग है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रे, रेपो रेट आपका जो हाइक करा गया है मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स का और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो नया मेंबर है और उसकी कंपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस लेक्चर इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डू प्रेस द लाइक बटन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ ए क्यू बायस वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब And this, these are our contact details. Info at the rate aqbias.com, and this is our contact number 931905800. If you have any query, then please feel free to connect with us via various social media platforms and our contact details. So, friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.